नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते हजारों क्विंटल धान पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बर्बाद धन को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर संबंधित अधिकारियों का कहना है कि बेमौसम हुई बारिश से कुछ हद तक धान जरूर खराब हुई है, पर इसके लिए व्यवस्थाएं भी की गई है जिसके चलते कम से कम बारिश में धान खराब हो। पानी में बर्बाद हुई धान का रोना रोते हुए किसान संबंधित अधिकारी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्या उन्हें बताई। किसानों ने बताया कि समय से धान खरीदी ना होना और उसके बाद खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं ना होने के चलते आज यह स्थिति बनी है कि किसानों की धान पानी में पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान रामगोपाल बताते हैं कि खरीदी केंद्र के पास पर्याप्त जगह ना होने के चलते किसानों ने अपनी धान को खुले में रख दिया, लिहाजा बेमौसम की बारिश ने उनकी धान को पूरी तरह से खराब कर दिया है। धान को पानी से बचाने की जिम्मेदारी उपार्जन संस्था की है। बेमौसम बारिश से खराब हुई धान को लेकर किसान जब संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई तो अधिकारी का बयान चौंकाने वाला था। जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी का कहना है कि धान से पानी बचाने की व्यवस्था उपार्जन संस्था को, जिसको उन्होंने कर भी रखा है। जिला आपूर्ति नियंत्रक नोहजत बकाई का कहना है कि परिवहन विभाग को भी धान का तेजी से परिवहन के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जिस संभावना पहले से व्यक्त किया है कि मौसम खराब होगा, बारिश आई, देखिए जैसा कि सभी को विदित है कि मौसम अचानक से आज सुबह से जो ख़राब हुआ है, लेकिन चूंकि उपार्जन में जो हमारी जो उपार्जित मात्रा है, अनाज है, उसकी संपूर्ण सुरक्षा की, उसके पूरे संधारण की जिम्मेदारी जो है समिति की होती है और उनके पास तिरपाल वगैरह की संपूर्ण व्यवस्था है। और हम लोगों ने हमारे जो ग्रुप है उसमें भी हम लोगों ने कल से ही मैसेज कर दिया था कि परिवहन में तेज़ी लाएँ और उपार्जन में परिवहन में तेज़ी लाने का भी हमारे निर्देश हम लोगों ने डीएमओ सर को, कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिए गए हैं। इसके अलावा सभी समितियां तिरपाल के माध्यम से उस अनाज को उसकी सुरक्षा भी कर रही है और फोटोज़ भी उन लोगों ने शेयर किए हैं। बहुत बड़ी धान खुले में क्या पूरी धान को सुरक्षित कर पाना संभव है? देखिए उपार्जित मात्रा जो है उसका लगभग 85% जो है वो परिवहन हो ही चुका है। हमारी 15% मात्रा जो है वो खुले में है और हम भी लगातार केंद्रों के निरीक्षण कर रहे हैं और सभी को ये हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि अनाज जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, धान खराब नहीं होना चाहिए। और उनके पास सभी समितियों से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आप तिरपाल की व्यवस्था, उसको ढाकने की संपूर्ण व्यवस्था करें। इसके अलावा परिवहन की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे डीएमओ साहब की है, तो हम लोग उसमें तेजी लाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो उपार्जित अनाज है वो खराब ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।